सीधा लगाने के पहले वो स्टॉपर था ना, स्टॉपर की जो वॉशिंग मशीन आती थी वो इतनी लंबी चौड़ी रहती थी, काफी बड़ी रहती थी। अभी ये इम्प्रूव हुआ है, लाइट वेट में कम जगह ले रहे हैं, है ना? लेटेस्ट में है, लेटेस्ट में सर थोड़ा हेल्प करेंगे आपको, खाली बैक साइड पर मैं इंटीरियर टॉवल लगा दूंगा। सर वहां पे जो कॉकरोच वगैरह जो जाता है ना, हां अच्छा कॉकरोच से कवर करेगा ये। इससे कॉकरोच बिल्कुल नहीं जाएंगे ना? ये मिलता है क्या इनकी तरफ से? ये पाइप का टेनलेट पाइप आ गया, ये डायरेक्ट कैप से इस पे आ गया। ये वायर ये कितना एम्पियर का है? ये जो आपने 15 है ना, ये मेरा वाला, हाँ तो 15 है, 15 एम्पियर होना चाहिए ना। ये हीटर चालू होता है ना सर, इसमें हीटर का थोड़ा दिया हुआ है। हाँ ये तो वार्म वॉश है ना, स्टीम पानी गर्म होके करेगा ना ये। ये जो पानी गर्म होता है ये सॉल्टी होता है कि प्लेन ही गर्म करेगा? हल्का सॉल्टी रहेगा ना। 60 डिग्री कर रहे हैं तो लक्ष्य नहीं, जो वाटर है जिससे कपड़े वो होते हैं ना सॉल्टी रहता है, तो वो डेवलप होता है क्या इसके अंदर मशीन में कि प्लेन ही रहता है? समझा नहीं क्या बोल रहा है। वाटर जो होता है गर्म होता है, थोड़ा सॉल्टी रहेगा, एकदम प्लेन आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि गर्म हो, जेंटल लेने के बाद। एक प्रोग्राम हो जाएगा, एक प्रोग्राम कितने मिनट का? कितना भी 1 hour 20 minutes या 1 hour 25 minutes एक प्रोग्राम हो गया, उसके बाद 1 hour के बाद दूसरा प्रोग्राम चालू कर सकते हैं। अच्छा चालू समझ नहीं आ रहा है, भी समझ नहीं रही है, इसमें रिकॉर्ड तो कर ही ले रहे हैं ना। अरे तू समझ ले यार, तू उतना मत चला, ठीक है बताइए। ये बटन से ऑन हुआ अभी, हाँ वो जो पावर है, पावर देखो यहाँ पे आपको डिटर्जेंट डालना है, अगर सॉफ्टनर यूज़ कर रहे हो तो बीच में डालना है, जैसा कपड़ों में स्मेल यूज़ करते हो। यहाँ पे अगर प्री वॉश करना है मतलब भिगा के रखना है तो यहाँ पे पाउडर डाल सकते हैं। अच्छा 7 kg का मशीन है, इसमें 12 से 14 कपड़े तक नॉर्मली कपड़े डाल सकते हो। पाउडर का क्वांटिटी थोड़ा बता दीजिए आप। और यहाँ पे उसका कपड़े का लेवल है, यहाँ तक आप कपड़े मशीन में भर सकते हो। कितना तो एक फुल चम्मच आता है
फुल चम्मच इसमें डालना है। एक चम्मच स्पून है उसमें, वो बड़ा बॉक्स में आता है ना बड़ा वाला स्पून, हम लोग ने लिया है वो। एक स्पून डालने का 15 कपड़े के लिए, और ये चद्दर और इसके लिए वही वन स्पून ही आता है। ताकि ऑन किया तो पूरा राउंड घूम के कॉटन पे आके रुक जाएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे तो मशीन कॉटन में स्टार्ट हो जाएगी। बाकी अगर कोई प्रोग्राम चेंज करना है आपको तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज राउंड घुमा सकते हो। जैसा कि मैंने घुमाया तो पहले कॉटन पे आएगा, कॉटन आपका 40 डिग्री टेम्परेचर लेके काम करता है, ठीक है। और कॉटन प्लस है वो 60 डिग्री टेम्परेचर लेके काम करता है, तो इसमें गर्म पानी से काम करता है, इसमें वार्म वाटर से। मिक्स कपड़े आप इसमें डाल सकते हो, कॉटन घुमाना पड़ेगा आपको। थोड़ा अपने पास कपड़े रखे हो, थोड़ा डेमो हो जाएगा इसमें। इजी केयर में टी शर्ट है, ट्रैक है, अंडर गारमेंट वगैरह जो भी धोना है इसमें धो सकते हो। डुएट जींस है, बेडशीट है, सोफा कवर, बेड कवर धोना है तो इसमें धोना है। एलर्जी केयर, कोई घर में बैक्टीरियल कपड़े हैं, कोई बीमार है उनके कपड़े धोना है तो इसमें धो सकते हो। स्टीम बेबी स्टीम क्या है, छोटे बच्चों के कपड़े स्टीम पर। डाउनलोड साइकिल, बार आपने हैंड वॉश कर लिया है खाली रिंस और स्पिन करना तो इसमें कर सकते हो। क्यूब 30, जैसा कि 7 kg है तो 3 kg तक कपड़े इसमें क्यूब 30 में आप डाल सकते हो, तो आपका 30 मिनट में पूरा प्रोग्राम हो जाएगा। साइलेंट वॉश, दोपहर में और नाइट में चलाएंगे तो कम RPM पे चलता है और आवाज़ नहीं करता है। स्टैंड केयर, बहुत दिन से अलमारी में कपड़े पड़े हैं वैसे धोना है तो स्टैंड केयर में आप धो सकते हो। डार्क वॉश, कपड़े में छोटा धब्बा वगैरह लग गया है तो इसमें धो सकते हो। जेंटल केयर, वूल वाले कपड़े, और स्पोर्ट्स में जिम जो ज्वाइन करते हैं, जिम जाने के लिए करते हैं ना तो लेफ्ट करो, डिजिटल के साथ आएगा ना। हाँ ठीक है, बटन दिखा रही है। जैसा कि आपने कोई प्रोग्राम चॉइस किया है कॉटन, राइट मारो, आपको इंटेंसिव प्रेस करना, मतलब गंदे कपड़े हैं तो इंटेंसिव प्रेस कर सकते हो, ठीक है। नीचे प्री वॉश भी दिया हुआ है, मतलब भिगा के रखना है। मैंने आपको बताया ना डिटर्जेंट यहाँ पे डाल सकते हो प्री वॉश के लिए, तो इसको 3 सेकंड होल्ड करके रखेंगे ना तो प्री वॉश का ऑप्शन आएगा, जैसा कि याद है, ठीक है, तो प्री वॉश भी कर सकते हो। ये पूरा टच पैनल है, टच से कर सकते हो। ये टाइम सेव है, ठीक है, टाइमिंग और पनिंग। और रिंस प्लस एक्स्ट्रा आपको रिंच है, 2 बार तो करते हैं, 3 बार और करेंगे, 3री बार करेंगे। डिले एंड, कितने टाइमिंग के बाद मशीन बंद करना है इसके लिए, ठीक है। एड आइटम, मतलब विद इन 1 मिनट के अंदर आपको मशीन खोलना है तो खोल सकते हो। ओनली फॉर कपड़ा सुखाना है तो पावर ऑन, यहाँ पे स्पिन और स्टार्ट, ओनली फॉर कपड़ा सुखाने के लिए पावर ऑन स्पिन स्टार्ट। दूसरा ऊपर टेम्परेचर दिया हुआ है, जैसा भी आपने कॉटन चॉइस किया है 40 डिग्री लिया है, इसमें आप 60 डिग्री भी कर सकते हो, 95 डिग्री तक धो सकते हो कॉटन में। अच्छा, अगर कोल्ड पे धोना है तो कोल्ड पे भी आप धो सकते हो, तो टेम्परेचर चेंज करना है तो टेम्परेचर कोई भी प्रोग्राम में चेंज कर सकते हो। थोड़ा सा वो कपड़े रखे लाइव डेमो कर देंगे। हाँ, तो कपड़े कितने कपड़े हुए अभी जाएगा और जाएगा ना अभी। अच्छा, इसका एक स्पून लेना चाहिए, इसका नाप अलग है, वो अलग है ना। कटो और चालू कर दीजिए, कौन किस कौन से प्रोग्राम पे चालू करना है। कॉटन पे ही करते हैं ना, मिक्स में डालिए ऑन कर मिक्स। हाँ, ऑन कर कॉटन प्लस में 2 hours 30 के ऊपर जाएगा, ये कॉटन में 1 hour 30, इसका 2 hours 30 के ऊपर, ये मिक्स में भी आएगा 1 hour 23। इजी केयर में 1 hour तक जाएगा। डुएट इसमें ऑलरेडी टाइमिंग फिक्स है 1 hour 33 मिनट। एलर्जी केयर और बेबी की बेबी स्टीम केयर में 6.5-3 घंटा जाएगा। ये डाउनलोड साइकिल में आपका 18-19 मिनट है, क्यूब 30 मतलब 30 मिनट का प्रोग्राम है। ये साइलेंट वॉश में आपका जाएगा मैक्सिमम 1 hour, ये भी 3 hours 37 मिनट। स्टैंड केयर में डार्क वॉश में 1 hour 10 मिनट है, जनरल कर में 37 है, और स्पोर्ट्स वेयर में 54 है।
तो इसमें और वो क्विक 30 में कोई भी कपड़े डाल सकते। इसका मतलब कि डिपेंड करता है कितना कपड़ा डाला वो अपने आप ले लेगा। क्विक 30 में तो अच्छा है, मैक्सिमम 15 डाल सकते हैं ना। क्यूब तक की सबसे अच्छा 30 मिनट में पूरा प्रोग्राम है। आपके भी इतने कपड़े गंदे रहते नहीं है, नहीं तो क्यूब तक की इनफ है। ये घंटे का प्रोग्राम कोई जरूरत नहीं, 30 मिनट वाला सही है। उधर से कुछ ऑपरेट नहीं करना, वो गंदा निकल के फिर अपने आप ड्राई करेगा। अच्छा, फुली ऑटोमेटिक। तो अपने को कुछ करने का ही नहीं है, कपड़े डालो, पाउडर डालो, पावर ऑन करके चले जाओ, ऑटोमेटिक फुल सब। और यहाँ पे रख सकते हैं पाउडर, ये क्या है इसका, पाउडर रखने का है क्या? अच्छा, ये वो ड्रेनेज वॉल है। हाँ। बाय चांस मशीन में से पानी नहीं निकल रहा है। हाँ। तो उसको खोल के आप क्लीनिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये जैसा कि ये हाँ। ये खोल दिया। हाँ। ये पाइप से पूरा पानी निकल देना, उसके बाद ये पूरा नॉब खोलना है तो कचरा निकल जाएगा। अच्छा, ड्रेनेज हो गया। हाँ, ड्रेनेज हो गया। बाकी उसको तो होल करने के बाद कोई जरूरत ही नहीं है, नहीं वो पानी में चला जाएगा ना। फिर जब हो जाए तो इधर पाइप रख दो। इसका मतलब कि अपने को एक घंटे 20 मिनट के बाद ये वो जो ड्राई होकर कपड़ा निकल आएगा पूरा, कुछ करने की जरूरत नहीं। फोर के मैंने किया ना, नॉर्मल किया ना, और अपने आप बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। एन लिख के एन मीन्स ई एन डी एन मतलब बंद। अच्छा, एंड लिख के आएगा, ये मशीन बंद हो जाएगा, उसके बाद पावर बंद कर दीजिए। जी। इसका मतलब जैसे कि हम लोग मशीन लगा के जैसे लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो हम लोग भी छोड़ के अगर गए तो ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो जाएगा, सिर्फ वो चालू रहेगा। हाँ। वो बंद नहीं होगा, बाकी ये फंक्शन अपने आप बंद हो जाएगा। हाँ। फिर आकर के उसको खोल के कपड़ा निकाल सकते हैं ना। नॉर्मल उसको थोड़ा ऐसे खाते हैं। एलर्जी जो कपड़े रहते हैं, एलर्जी वो तो घर में बीमार है। हाँ, वो मटेरियल कपड़े। अच्छा, वो भी ऑप्शन है, ये है ना, ये वाला 4 घंटा लगेगा। क्या जरूरत है, कौन बीमार है? अच्छा, आप एक चीज और बताइए, जैसे कि ये ड्रायर कैसे होता है? ड्रायर इसमें 100% ड्राई वाला नहीं है, नॉर्मल आपका 65 से 75 तक सूखेगा। फिर अपने को फैलाना पड़ेगा, तो पावर ऑन करना है, यहाँ पे स्पिन प्रेस करना है और स्टार्ट। ये जब खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इसमें सब इंक्लूड है? नहीं नहीं, जैसे कि ये चल रहा है 1 घंटा 20 मिनट के बाद क्या होगा? ये पूरा सूख के आएगा, निकल के आएगा, हम लोग को कुछ नहीं करना। उधर से कुछ ऑपरेट नहीं करना, वो गंदा निकल के फिर अपने आप ड्राई करेगा। अच्छा, फुली ऑटोमेटिक। तो अपने को कुछ करने का ही नहीं है, कपड़े डालो, पाउडर डालो, पावर ऑन करके चले जाओ, ऑटोमेटिक फुल सब। और यहाँ पे रख सकते हैं पाउडर, ये क्या है इसका, पाउडर रखने का है क्या? अच्छा, ये वो ड्रेनेज वॉल है। हाँ। बाय चांस मशीन में से पानी नहीं निकल रहा है। हाँ। तो उसको खोल के आप क्लीनिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये जैसा कि ये हाँ। ये खोल दिया। हाँ। ये पाइप से पूरा पानी निकल देना, उसके बाद ये पूरा नॉब खोलना है तो कचरा निकल जाएगा। अच्छा, ड्रेनेज हो गया। हाँ, ड्रेनेज हो गया। तो बाकी उसको तो होल करने के बाद कोई जरूरत ही नहीं है, नहीं वो पानी में चला जाएगा ना। फिर जब ये अभी चालू हो गई मशीन, मशीन चालू स्कैन कर रही है, तो मशीन में कितना लोड है, कितने कपड़े डाले हैं, और स्कैन करने के बाद आपको टाइमिंग पे डिस्प्ले करेगा। अगर गीले कपड़े डालेंगे तो टाइमिंग ज्यादा जाएगा, सूखे कपड़े डालेंगे तो 1 आवर। जब पानी भी चालू हुआ, पानी भी चालू हुआ, कितना 1 आवर 23 मिनट। अच्छा, ये तो कम कपड़े हैं फिर भी इतना, एक लोड के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। अगर पानी को अच्छा, वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट किया, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट करते हैं। तो कुछ डालने की जरूरत नहीं, अपने आप सिलेक्ट कर लिया। ज्यादा दिक्कत होगी तो यूट्यूब देख के करना पड़ेगा। नहीं, नहीं, अभी एक दो बार में आ जाएगा समझ में। अच्छा, वो आज से अपने आप ऑटोमेटिक डिटर्जेंट ले लेंगे, वैसे इसमें कोई इतना बहुत तो नहीं है ना। यूट्यूब से देख के करते हैं ना, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। पावर ऑन करो, प्रोग्राम सिलेक्ट करो, और अगर ज्यादा चेंज करने का भी नहीं, और अगर नहीं चेंज करेंगे तो चलेगा टेम्परेचर कुछ चेंज करने, देखो मिक्स में आ गया 40 डिग्री, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा अच्छा।
कोल्ड पे करेंगे ना तो टाइमिंग थोड़ा कम रहेगा, बहुत कुछ नहीं। अच्छा तो कोल्ड पे ही करेंगे। कोल्ड पे क्यों करोगी? कोल्ड पे करोगी, स्टीम नहीं होगा, थोड़ा नॉर्मल स्टीम पे चलेगा। कोल्ड पे क्यों करोगी? तो ये कपड़ा, ये पानी गर्म रहेगा तो तभी तो कपड़ा साफ होगा। देखो पूरा पाउडर ले लिया, ये देखो ये लिया पूरा ये। अच्छा ये ऐसे ले रहा है? लेकिन पहले की मशीन में अभी भी बहुत फर्क है कुछ। और तो इसको जो टेम्परेचर लिए तो इसको हीट एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, अपने आप ले रहा है। एलर्जी करके मैक्सिमम 3.5-4.5 वर्ष ले रहा है। एलर्जी इतना भी तुमको क्या आ रहा है? एलर्जी मिस कर रहा हूँ, 40 डिग्री पे चलता है। 40 डिग्री चलता नॉर्मल, उसको थोड़ा ऐसे एलर्जी जो कपड़े रहते हैं, एलर्जी उसको घर में बीमार है। हाँ वो मटेरियल कपड़े। अच्छा वो भी ऑप्शन है, ये है ना ला, ये 4 घंटा लगेगा। क्या जरूरत है, कौन बीमार है? अच्छा आप एक चीज और बताइए, जैसे कि ये ड्रायर कैसे होता है? ड्रायर इसमें 100% ड्रायर वाला नहीं है, नॉर्मल आपका 65 से 75 तक सूखेगा, फिर अपने को फैलाना पड़ेगा। तो पावर ऑन करना है,